आपने अक्सर सुना होगा स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिविटी और नेगेटिव पीपल, बट क्या रियलिटी में ये इतना आसान है? और अगर नेगेटिविटी हमारे आसपास ही हो, हमारे घर में ही हो, फिर हम कैसे डील करें? वेलकम टू श्री कॉर्नर, मैं हूँ आपकी फ्रेंड आराधना। मोस्ट ऑफ वीमेन्स की यही प्रॉब्लम है कि नेगेटिविटी तो हमारे आसपास ही है, इवन हमारे घर में ही नेगेटिव पीपल है, तो हम खुद को कैसे बचाएं? इससे प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि जब हम खुश रहते हैं, हमारे सामने बड़ी सी बड़ी मुसीबत आ जाए, हम उसको आराम से हैंडल कर पाते हैं, उसका सलूशन ढूंढ पाते हैं। और हम खुश कब रहते हैं? जब हम पॉजिटिव रहते हैं, जब हमारा माइंड सेटअप पॉजिटिव होता है, हम अंदर से सुकून में रहते हैं। तो खुद को पॉजिटिव रखने के लिए, खुद को सुकून में रखने के लिए जरूरी है कि हम नेगेटिविटी से खुद को कट ऑफ करें। सिर्फ इतनी सी ही प्रॉब्लम है, इसी वजह से हर कोई सजेस्ट करता है कि नेगेटिविटी से दूर रहिए। जब हम नेगेटिविटी से दूर रहेंगे तो हम अंदर से पॉजिटिव रहेंगे, हम पॉजिटिव रहेंगे तो हम खुश रहेंगे, और खुश रहेंगे तो बड़ी से बड़ी मुसीबत हमारे सामने आ जाए, हम उसको आराम से उसका सल्यूशन ढूंढ पाएंगे, उस पर वर्क कर पाएंगे, उस पर फोकस्ड हो पाएंगे। इसी वजह से आपको हर कोई सजेस्ट करता है कि स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिविटी, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल। बट अब डिस्कस करते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम। अगर नेगेटिविटी हमारे आसपास है, अगर नेगेटिव पीपल हमारे घर में ही है, तो हम खुद को कैसे बचाएं? क्योंकि हमें ना चाहते हुए भी रहना तो अपने घर में ही है। तो आप एक बहुत सिंपल सी चीज समझिए, और ये जो भी मैं समझा रही हूँ ना, ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे आपको समझा रही हूँ। ट्रस्ट मी, अगर आप इस बात को समझ गई ना, तो नेगेटिविटी, नेगेटिव पीपल आपके कितने भी आसपास हो, आपको कोई इफेक्ट कर ही नहीं सकता। सबसे पहले हम विमेंस की प्रॉब्लम क्या होती है, हम जब नए घर में आते हैं ना, तो खुद को एडजस्ट करने में अपना जी जान लगा देते हैं। ये मैं हमेशा बोलती हूँ, एंड आई एम श्योर कि आप सब लोगों ने भी ऐसे ही किया होगा कि हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं उनको खुश कर पाएं, उनको कोई भी हमसे शिकायत ना हो। और सबसे बड़ी मिस्टेक हमारी यही होती है कि हम ये पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको हमसे कोई शिकायत ना हो, हमसे उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। हम अपना हर एक काम परफेक्शन के साथ करते हैं ताकि वो खुश रहें, और यही हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। हम सबको खुश करने के चक्कर में कहीं ना कहीं अपनी खुशी जो है वो गंवाते जाते हैं, अपना 100% देते हैं ताकि सामने वाले को हमसे कोई प्रॉब्लम ना रहे। और जब हम अपना हर एक काम काफ़ी परफेक्शन के साथ जी जान लगा के करते हैं ना, और फिर भी अगर सामने वाला उसमें कमियां निकालता है, आपसे वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो उस टाइम मन जो दुखी होता है ना, उस टाइम जो मन टूटता है, बहुत टाइम लगता है खुद को संभालने में। तो सबसे बड़ी मिस्टेक यही है कि हम जो दूसरों को खुश करने में लग जाते हैं और उसमें अपना जी जान लगा देते हैं, क्योंकि जिसको आपकी बुराई करनी है, आपसे शिकायत करनी है, वो करेगा ही। आप चाहे अपना 200% लगा दीजिए, बट अगर सामने वाले को आप में कमियां निकालना है तो वो निकालेगा ही। तो अब इसका सलूशन क्या है? किसी को भी खुश करने के फेर में बिल्कुल मत पड़िए। आपके सामने जो काम है, आप उसको अपने तरीके से करिए और वहां से साइड होइए। अगर आप सबका सोच करके उस काम को करने लग जाएंगे कि किसी को भी उस काम के करने से प्रॉब्लम ना हो, तो और किसी को तो प्रॉब्लम नहीं होगी, बट प्रॉब्लम आपको होगी, क्योंकि आपने जो उस काम को अपना 100% दिया है ना, फिर भी थर्ड पर्सन उसमें कमियां निकालेगा, और उस समय आपका जो माइंड है ना, वो इतना नेगेटिव हो जाएगा कि आप अंदर से टूट जाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, अब बस करिए, आज तक आपने जो सबको खुश करने का बीड़ा अपने कंधों पे उठा रखा था ना, अब उसको वहीं छोड़ दीजिए, और किसी को भी खुश करने के फेर में मत पड़िए। सिर्फ अपने काम को अपने तरीके से, अपने बेस्ट वे में करके आप छोड़ दीजिए। जिसको खुश होना है वो होगा, जिसको खुश नहीं होना है, आप चाहे कितना भी बेस्ट वे में कर लीजिए, वो खुश नहीं होगा। सेकंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप किसी के भी गॉसिप में मत पड़िए। अगर कोई दूसरा इंसान आज आपसे तीसरे इंसान की बुराई कर रहा है और आप उसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, सिर्फ हाँ अगर ऐसे करके भी पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो कल को वही दूसरा इंसान तीसरे इंसान से आपकी बुराई करेगा। तो आप ये चीज ध्यान रखिए
कि आपको वहां से वॉकआउट कर जाना है, वहां से हट जाना है। अगर आपने थोड़ा सा भी इंटरेस्ट दिखाया उसके गॉसिप में, उसकी बुराई करने में, उसकी शिकायत करने में, तो ये आप अपना माइंड सेटअप नेगेटिव कर ही रही हैं, उसके साथ साथ अपने लिए भी एक कुआं खोदे जा रही हैं, क्योंकि कल को आपकी बुराई भी वैसे ही उस इंसान से होगी। तो इस चीज का ध्यान रखिए कि किसी की भी शिकायत में, बुराई में, गॉसिप में आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है। अगर आपने पार्टिसिपेट किया है तो वो चीजें कल को लौट के आपके पास भी आएंगी ही आएंगी। और ये हम विमेंस की बहुत बड़ी कमजोरी होती है कि हम हमेशा ना चाहते हुए भी जहाँ पे भी दो लेडीज हैं वहाँ पे बातें हो रही हैं, हम भी उसमें पार्टिसिपेट करते ही करते हैं। आप उसमें पार्टिसिपेट ही मत करिए। अगर आपने थोड़ा सा भी पार्टिसिपेट किया, आपने कुछ नहीं भी बोला है, बट अगर आप सिर्फ हाँ ऐसे भी पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो कल को वो चीजें थ्रोबैक होंगी और आप पे भी आएंगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, सेकंड आपको यही करना है, पार्टिसिपेशन नहीं लेना है, बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करना है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं। मोस्ट ऑफ वुमेन्स की प्रॉब्लम क्या है? हमारी मदर इन लॉ खुश नहीं रहती हैं, हमारी सिस्टर इन लॉ हमें परेशान करती हैं। सबसे कॉमन प्रॉब्लम यही है जो आप लोग हमेशा कॉमेंट में भी मुझे कॉमेंट करके बताती हैं। तो आपको करना क्या है इसके लिए? सबसे पहले आप अपने मदर इन लॉ के पास बैठिए, अपनी टोन को एकदम पोलाइट रखिए और उनके पास बैठ के सुकून से आप बात करिए कि आपको प्रॉब्लम क्या है, मैं किस, और उनके पास बैठ करके आप सुकून से बात करिए कि आज जिस स्टेज पे मैं हूँ, आज के 30 से 35 साल पहले आप भी इसी स्टेज पे थी, और अगर मुझसे कोई गलती हो भी जा रही है तो आई एम श्योर कि आपसे भी 30 से 35 साल पहले वो गलतियां हुई होंगी। धीरे धीरे ही चीजें आदमी सीखता है, धीरे धीरे ही किसी में भी परफेक्शन आता है। तो आप उनके पास बैठ करके अपने ईगो को थोड़ा साइड में रख करके और उनके पास बैठ के अपने टोन को पोलाइट में रख के और उनसे सुकून से बात करिए कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। इसे फायदा क्या होगा कि बहुत सी बातें होती हैं जिसको हम अपने मन ही मन में लेके रखते हैं, हम डिस्कस नहीं करते हैं, इस वजह से हमारे अंदर भी नेगेटिव थॉट्स आते जाते हैं, हम मेंटली परेशान होते हैं और सामने वाला भी परेशान होता है। तो आपको करना यही है कि अपने मदर इन लॉ के पास बैठिए, अपने सिस्टर इन लॉ के पास बैठिए और उनके पास बैठ करके सुकून से बात करिए कहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं, क्या प्रॉब्लम हो रही है, सब चीज़ों को आप डिस्कस करिए। अगर आपसे बात बन पाती है तो बेस्ट है, नहीं बन पाती है तब उसको कैरी फॉरवर्ड करिए अपने हस्बैंड के पास वगैरह, आपको जहाँ पे भी सही लगे। पहले ही ऐसे नहीं किया, बस भेज दिया ये लड़के आइए, बेचारे पति को क्यों बीच में लाना है, माँ और पत्नी के बीच में बेचारे को क्यों घसीटना है। सबसे बेस्ट तरीका यही है कि खुद जाइए अपने मदर इन लॉ के पास बैठिए, उनसे डिस्कस करिए कि प्रॉब्लम कहाँ है, क्योंकि जब तक आपको मेन प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगी ना, तब तक आप सोल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे और नेगेटिविटी भरती जाएगी। और जितना हम नेगेटिव रहेंगे ना, उतना ही हम परेशान रहेंगे, कहीं भी हम अपना मन नहीं लगा पाएंगे, कोई भी काम हम परफेक्शन के साथ कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि पहले अपने जो दिमाग है ना उसको हम क्लीन करें, जो भरा पड़ा है ना लिख लिख करके, उसको पहले हम इरेज करें अच्छे से इरेजर से। तो इरेज करने के लिए ज़रूरी है कि हम जो प्रॉब्लम है, जो मेन जड़ है ना, वहाँ तक जाएं। थोड़ा सा खुद को ही नीचे गिराइए, अगर आपने ईगो को थोड़ा साइड में रखिए और डिस्कस करिए। ये हो गई थर्ड प्रॉब्लम का सलूशन। अब बात करते हैं फोर्थ प्रॉब्लम। तो सबसे पहले आप ना कहने की भी आदत डालिए। ट्रस्ट मी, ये जो आपको मैं सलूशन दे रही हूँ ना, ये मेरा खुद का आजमाया हुआ है। जब हम नए घर में आते हैं ना, पूरे घर को अपने सर पे उठा लेते हैं, सारा ए टू जेड काम जितना होता है हर किसी का परफेक्शन के साथ करते हैं, और ये करते करते ना खुद को ही डिस्ट्रॉय करते जाते हैं, अपनी लाइफ कुछ समझ में नहीं आती है। बट जिस दिन से आपने ना कहना सीख लिया ना, मैं ये नहीं बोल रही कि आपकी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ ने बोला कि बेटा टिफिन रेडी कर दो, आप ना बोल दीजिए कि नहीं हम टिफिन नहीं बना के देंगे। बट छोटी छोटी चीजें जहाँ पे आप ना बोल सकती हैं, वहाँ पे ना बोलना सीखिए। जब तक आप ना बोलना नहीं सीखेंगी, काम आपके कंधों पे आता जाएगा और आप उस काम के बोझ के तले दबती जाएंगी, अपनी लाइफ बिल्कुल आपको समझ में नहीं आएगी। और जितना आप फंसते जाएंगे ना, उतना आपका माइंड जो है, एक टाइम पीरियड आता है कि बस अब उसके पास स्पेस नहीं रहता है, और वो इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है, इतना नेगेटिव हो जाता है कि ना चाहते हुए भी एनी टाइम आप फ्रस्ट्रेट रहेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है ना।
ना बोलना सीखना। ये कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं जिनको आप फॉलो करके खुद को पॉजिटिव रख सकती हैं। और मैंने स्टार्टिंग में ही बोला, अगर आप पॉजिटिव रहेंगी तो खुश रहेंगी, खुश रहेंगी तो चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने आ जाए आप यूं सॉल्व कर लेंगी। ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। और अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकती हैं। मैं सोच रही हूँ कि एक सीरीज शुरू करूँ हम सब के नाम से, और उसमें हम जितनी भी विमेंस हैं ना, हम अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर पाएं, क्योंकि ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम होती हैं जिनको हम किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं। और जब हम अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं करते हैं ना, तो अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेट होते रहते हैं। आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं, और मैं या फिर हमारी जितनी भी एक फैमिली है ना, उनके पास अगर आपकी प्रॉब्लम का सलूशन होगा तो हम आपको सलूशन भी दे सकते हैं। एवरी संडे मैं आप लोग की कमेंट का रिप्लाई भी करूंगी। सिर्फ आपको हैशटैग हम सब डालना होगा कि हमारी ये प्रॉब्लम है, और उसमें हैशटैग। तो ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज आप लाइक करिए या मत करिए, बट शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए अपना ख्याल रखिए, खुद को पॉजिटिव रखिए और खुश रहिए।